हेलो गाइस, ये वजन कम करने का एक खौफनाक तरीका है। आपके शरीर में से ये लड़की चर्बी को चूसकर मिनटों में 10 पाउंड वजन कम कर सकती है। इस आदमी ने हाल ही में हॉटडॉग खाने की प्रतियोगिता जीती है और जैसे ही वह अपनी कार में बैठता है, उसके पीछे एक रहस्यमय इंसान प्रकट होता है। फिर आदमी का शरीर श्रिंक होने लगता है, जिसकी वजह से कार एकदम से हिलने लगती है। उसका शरीर जल्दी जल्दी सिकुड़ने लगता है, मानो ऐसा लगता है कि किसी ने उसके अंदर हाथ डाल के सब निकाल दिया हो। डैन और सैम अपनी जांच शुरू करते हैं। जब वे इस घटना के बारे में सुनते हैं तो वे देखते हैं कि उस व्यक्ति का वजन 400 पाउंड से घटकर 90 पाउंड हो गया है और उसके इंटरनल ऑर्गन्स भी गायब है। हमें एक एक्सरसाइज करती हुई महिला दिखाई देती है, तभी उस महिला पर पीछे से हमला होता है। वहां पर हमें देखने को मिलता है कि अचानक से उसका वेट लॉस हो रहा है, उसकी सारी चर्बी निकल गई है और फिर वो वहीं पर मर जाती है। तभी डिटेक्टिव डैन और सैम वहां पर पहुंचते हैं और कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद वे बॉडी पर मार्क्स देखते हैं। वे उस महिला के ट्रेनर से भी बात करते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर सेम सक्शन मार्क दिखाई देता है जैसा कि उस डेड बॉडी पर था। लेकिन अजीब बात तो ये है कि ये ट्रेनर अभी भी जिंदा है, क्योंकि जितने भी मर्डर हुए हैं उन सभी में ये मार्क पाया गया है। ट्रेनर का कहना है कि वे हाल ही में एक अनोखी रहस्यमय स्पा में गई थी, जो ग्राहकों की बिना डाइटिंग के आसानी से वजन कम करने में मदद करने का दावा करते हैं। ट्रेनर द्वारा दिए गए सुराग के बाद दोनों भाई तुरंत उसी रहस्यमय स्पा में जाते हैं। उनका मानना है कि स्पा का इन दोनों मर्डर से कुछ न कुछ तो लेना देना है। इन सभी रहस्यों का पता लगाने के लिए वे दोनों प्राइवेट ट्रेनर के रूप में भेष बदल कर जाते हैं, जो नौकरी की तलाश में है। उनका इंटरव्यू एक कपल लैरी और मेडिसा द्वारा लिया जाता है, जो कि स्पा के ओनर हैं, लेकिन फिलहाल उनके पास केवल ट्रेनर की वैकेंसी है। परिणाम स्वरूप सैम को एक ट्रेनर के रूप में काम पर रखा जाता है और डैन को लंच मैन के रूप में रखा जाता है। यहाँ पर रसोई में डैन को बहुत भूख लगी थी, तो वो पुडिंग को चखता है। ये उसको स्वादिष्ट लगता है, इसीलिए वो वहां से एक बॉक्स चुरा लेता है। उसे नहीं पता था कि पुडिंग को खाने के बाद उसे चक्कर आने लगेंगे, मगर वो बेहोश होने से ठीक पहले सैम को मदद के लिए कॉल करता है। सैम को पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है। योगा सिखाते समय प्रत्येक क्लाइंट के शरीर पर एक सक्शन मार्क होता है, जैसा कि उन्होंने सोचा था। इसी समय मेडिसा एक क्लाइंट को थेरेपी के लिए ले जा रही थी। वे बताती है कि ये चीन की एक ट्रेडिशनल तकनीक है, जो न केवल शरीर के विषय पदार्थों को बाहर निकालती है, बल्कि वजन कम करने में भी मदद करती है। इसका एक ही नुकसान है कि ये पीठ पर एक रेड सक्शन मार्क छोड़ देती है। दरअसल ये पूरी थेरेपी एक ढोंग है। सक्शन मार्क वास्तव में उनके अंदर से चर्बी को चूसने के कारण होता है। योगा क्लास के बाद सैम वहां पर शेरिफ मैरी से टकराता है, जिसने अभी अभी थेरेपी पूरी की है। उनकी बातचीत के दौरान मैरी को सैम की असली पहचान पर संदेह होने लगता है। बाद में सैम किचन में जाता है और डैन को आलू के ढेर के पास बेहोश पाता है। जाए तौर पर उसे पुडिंग पर शक होता है। सैम उस शेफ को ढूंढता है जिसने पुडिंग बनाई थी। सैम उससे पूछताछ करता है, उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन शेफ को कुछ भी पता नहीं होता। यहाँ पर उसे पता चलता है कि थेरेपी के लिए आने वाले हर क्लाइंट को थेरेपी से पहले ये पुडिंग खिलाई जाती है और शेफ केवल इसमें मेडिसा और लैरी के कहने पर सप्लीमेंट्स ऐड करता है। अब दोनों को यकीन हो गया था कि इस कपल का पिछले दो मर्डर से कोई ना कोई ताल्लुका तो है। इस बीच कपल को दोनों पुलिसमैन की पहचान का पता चल जाता है। वो कहते हैं कि ये दोनों चुपके से यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब इस कपल को ये पता चल गया है कि यहाँ से बचना असंभव है। बेहतर तो यही होगा कि हम सारे सबूतों को मिटा दें। मेडिसा फ्रिज से फैट निकालने के लिए दौड़ती है और उसे फेंक देती है, लेकिन उसे लगता है कि ये तो वेस्ट है, इसीलिए वो उसे खाने जाती है। जैसे ही वो फैट को खाने वाली होती है, डैन उसके पीछे आ जाता है। वह सब कुछ देखता है और फिर उसे कुर्सी से बांध देता है। मेडिसा ने उसे बताया है कि उसने कभी भी किसी की हत्या नहीं की, उसे कोई गलत फहमी हुई है। मैं तो सिर्फ बचा कुचा फैट खाती हूँ, जिसे हम डस्टबिन में डालने वाले होते हैं। और वो कहती है कि इस तरह से वे लोगों का फैट लूज करने में मदद करती है। वो दावा करती है कि उसने आज तक किसी को भी कोई चोट नहीं पहुंचाई है। इन सब के पीछे उसका भाई एलियंसो होता है, जो अक्सर अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर पाता। वे आदमी के अंदर का सारा फैट खा जाता है। स्पा बनाने के लिए इस कपल को वर्षों की मेहनत लगी है। वे नहीं चाहते कि एलियंसो के कारण ये सब बर्बाद हो जाए।
इसीलिए मैंने एलोंसो को फायर कर दिया है। वह एलोंसो को पैकअप करने के लिए भी बोल चुकी थी। इसी समय सैम वहां से गुजर रहा था तो उसे किचन से कुछ आवाजें आती हैं और कुछ चीखें सुनाई देती हैं। वो अंदर जाता है तो देखता है कि लैरी को एलोंसो ने मार दिया होता है। फिर जब मेडिसा को यह पता चलता है कि उसके भाई ने उसके पति को मारा है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है। दरअसल ये कपल लोगों को थेरेपी की आड़ में उनका फैट खाते थे, मगर इन्होंने कभी भी किसी भी इंसान को नहीं मारा। इसके विपरीत इसका भाई एलोंसो एक लापरवाह एलियन है जिसने थेरेपी के दौरान ही लोगों को मारा होता है। एलोंसो फैट के लिए अपनी इच्छा को काबू नहीं कर सकता था। यही वजह है कि इसने पहले भी 2 हत्याएं की थी जिसमें एलोंसो का ही हाथ था। अब और निर्दोष लोगों को मरने से बचाने के लिए एलोंसो को ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी था। मेडुसा उन दोनों को एलोंसो का पता बताती है जहाँ पे वो छिपा होता है। फिर वे दोनों एक फ्लैशलाइट और एक नाइफ लेकर बेसमेंट में जाते हैं और वहाँ पर एलोंसो को खोजने लगते हैं। अब वो दोनों अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद एलोंसो पीछे से सैम के ऊपर हमला कर देता है। एलोंसो सैम को जमीन पर गिराने के लिए काफी बल का प्रयोग करता है। सैम उसे दूर धकेलने के लिए संघर्ष करता है। सैम नाइफ लेने के लिए दौड़ता है लेकिन अभी भी वो एलोंसो का मुकाबला नहीं कर पाता। एलोंसो अपने प्रोबोसिस के साथ सैम पर एक घातक झटका देने की कोशिश करता है लेकिन लकीली डैन ठीक समय पर वहां पे पहुंच जाता है और उसके प्रोबोसिस को काट देता है। सैम बच जाता है जबकि एलोंसो तुरंत ही मर जाता है। हालांकि मेडिसा भी एक एलियन है पर उसने कभी भी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया होता। वे डिटेक्टिव को इस मामले को सुलझाने में मदद भी करती है इसीलिए वो लोग उसे जाने देते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं कॉनराड को गिरफ्तार कर लेते हैं और वायरस को काला बाजार में पहुंचने से सफलतापूर्वक रोक लेते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।